हेलो बच्चों, राधे राधे, सभी को पीजे का नमस्कार। कैसे हो बच्चों? बढ़िया और मस्त। चलो बच्चों, देखिए काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल टाइम के बाद मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए लाइफ है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें भी फेस करनी पड़ती है, और मैं ये चीज़ हमेशा बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आती रहती है और उनको फेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वापस आज हम मिल रहे हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ चीज़ें भी हुई है वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज़ की बात करें तो नीट का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल नहीं हुआ, यानी कि अब री नीट होने वाला नहीं है। सबसे पहली चीज़, देखिए बहुत सारे एविडेंस भी थे लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो NTA है वो चाहता ही नहीं है कि ये नीट का जो पेपर है वो वापस हो। तो अब आपको मेहनत करनी है कामयाब होने के लिए और लग जाना है अपने लक्ष्य के लिए। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप सोच रहे हो ना कि ये लक्ष्य मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल। अगर चमकना चाहते हो ना, तो पहले घिसना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक पसीना पूरी बॉडी से नहीं निकलेगा। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं बनोगे। कामयाब बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मेहनत। आप सोच रहे हो कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे जेई एडवांस में लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट लग जाता होगा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो कभी नहीं लगता है, ये सबको पता है। उसी तरीके से लाइफ का भी कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। लाइफ का हमेशा एक ही कट होता है, वो होता है मेहनत। मेहनत करिए, दिन रात मेहनत करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। जो पेरेंट्स आपसे उम्मीद रखते हैं उनको अपने सपने साकार करके बताइए, और जिस दिन आप ये कर लिए उस दिन आप लाइफ में बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने गाउसेस लॉ पढ़ लिया था और गाउसेस लॉ की एप्लीकेशन रह गई थी, और उसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले गाउसेस से स्टार्ट करें तो गाउसेस ने क्या कहा था कि हमारा जो टोटल फ्लक्स था किसी भी सॉलिड के लिए या किसी भी एलिमेंट के लिए बात करें, तो हमारा जो फ्लक्स था वो किसके इक्वल था, वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। ये गाउस ने कहा था, यानी द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू द इंटरनल टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गाउसेस लॉ। ये बात गाउस ने कही थी। यानी कि गाउस से स्टार्ट करें तो गाउस ने ये कहा कि हमारे पास में जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात गाउस ने कही थी, जहां पे ये वाला जो है वो टोटल चार्ज प्रेजेंट होना, कितना प्रेजेंट है आपका टोटल चार्ज किसी सॉलिड या किसी एलिमेंट के, उसके बारे में बात की। और दैट इज ये हमारे पास परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की या वैक्यूम की भी कह सकते हैं। तो ये गाउसेस ने कहा, और हम लोगों को पता है कि किसी भी सरफेस से जो हमारे पास में फ्लक्स निकलने वाला है उसका मान कितना होता है बच्चों, E.ds। यानी कि गाउस ने अपनी इक्वेशन को इस प्रकार से कन्वर्ट करते हुए उसने बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास में फ्लक्स की जो वैल्यू होगी इस तरीके से होगी। गाउस ने क्या कहा कि जो टोटल फ्लक्स आने वाला है वो हमारे पास में समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। लेकिन गाउसेस लॉ का यूज कैसे करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि जितनी भी क्लोज सरफेस होती है उन क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग गाउसेस लॉ का यूज करते हैं। क्या कहा कि जितनी भी क्लोज सरफेस होगी उन क्लोज सरफेस के लिए हम लोग जब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए इस लॉ का यूज करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। तो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है उसके बारे में बात करें, तो बहुत सारे एलिमेंट के लिए इस लॉ को यूज करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात। तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं वो लीनियर चार्ज के लिए करते हैं, यानी कि हमारे पास में इन्फिनिटी वायर अर्थात अनंत रेखीय आवेश तार कह दो या अनंत रेखीय आवेश कह दो, यहाँ पतला लंबा तार कह दो, उसके लिए गाउसेस लॉ का यूज करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे जो 2K लैम्डा / R के इक्वल होती है।
किसके इक्वल होती है, 2k लैम्डा अपॉन r के इक्वल होती है। सर ये कैसे फाइंड करते? उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास में एक थीन सीट आ जाती है जो एक नॉन कंडक्टर मटेरियल की होती है, और जब हम उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं तो वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। उसके बाद में स्फीयर में आ जाते हैं, स्फीयर में भी कंडक्टर नॉन कंडक्टर भी लेते हैं, तो जब कंडक्टर के अंदर यूज करते हैं और बाहर किसी पॉइंट पे निकालो स्फीयर के या गोले के, तो हमारे पास में जो आता है वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस में वो आर जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाकर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही चीज़ अगर अंदर बात करोगे कंडक्टर के अंदर, तो अंदर चार्ज की प्रेजेंस होती ही नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाएगी। सेम केस रहेगा नॉन कंडक्टर के अंदर भी, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इस चीज की नॉन कंडक्टर के अंदर, बाहर तो वही रहने वाला है इलेक्ट्रिकल फील्ड, सरफेस पे भी वही रहने वाला है, लेकिन जब हम लोग नॉन कंडक्टर के अंदर आ जाएंगे उस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज आता है और वो आता है के क्यू आर अपॉन आर क्यू। तो ये सारे फॉर्मूले सारी चीजें कैसे निकाली जाती है उस चीज का डिस्कशन आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलो वाइट ही लेते ना, ठीक है वाइट ओके। देखिए गाउस लॉ की बात कर, यानी कि गाउस का नियम, तो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो होता है टोटल चार्ज प्रेजेंस इन द इनर बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात हम लोग गाउस के लॉ के हिसाब से करते हैं। इसकी एप्लीकेशन में जाओगे तो एप्लीकेशन में बहुत सारे एलिमेंट यूज करते हैं, लेकिन जनरली जो यूज करते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो सबसे पहले मैंने बताया लीनियर चार्ज या लॉन्ग कैरिंग वायर कहते हैं इसे, इनमें उसे अनंत रेखीय तार या अनंत रेखीय आवेश भी कहते हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे रेखीय आवेश। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है सीट, नॉन कंडक्टर सीट, जिसे कुचालक परत भी कहा जाता है। नंबर थर्ड पे जो आता है वो आता है स्फीयर, स्फीयर बोले तो गोला, स्फीयर बोले तो गोला, और गोले के अंदर भी आता है कंडक्टर नॉट कंडक्टर, चालक और कुचालक दोनों आते हैं इसमें भी। इस तरीके से हमको फाइंड करना, तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लोज सरफेस चाहिए। अगर वहां पे क्लोज सरफेस नहीं है तो आपको क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी, और वो क्लोज सरफेस जो है वो इमेजिनरी गाउसियन सरफेस कहलाएगी। क्या कहा? कि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले गाउसियन सरफेस चाहिए, अगर गाउसियन सरफेस प्रेजेंस नहीं है तो वहां पे इमेजिनरी गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, इतनी बात तो होगी। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी चाहिएगी एलिमेंट की, और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। उसी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग लिखिए, एक सेकंड के लिए मैं
सबसे पहला जो हम लोग एलिमेंट लेंगे उसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ के अंदर याद करें। तो देखिए मैंने आपको चीज़ें बताई वही है कि बहुत सारे सिमेट्रिकल चार्ज जो होते हैं एलिमेंट या उनका कॉन्फ्यूगेशन कहा जाए, उनके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने एक सिंपल सा लॉ यूज़ करते हैं जो गॉसियन लॉ होता है। ये मैंने अभी भी बोला आपको कि जितनी भी सिमेट्रिकल चार्जेस सिस्टम होते हैं कॉन्फ़िगरेशन को या एलिमेंट को, मैंने आपको अभी बोला, जिनमें एक समान रूप से आवेश जो है वो वितरित होते हैं। बताया था ना यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से करते हैं, तीन प्रकार से करते हैं ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी जब उसकी लेंथ पे हम लोग चार्ज लगा दें, सरफेस चार्ज डेंसिटी जब हमारा चार्ज उसके एरिया में चला जाए, और उसके बाद में बताया था बच्चों आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के उस सॉलिड के एलिमेंट के अंदर जो हमारा चार्ज है वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो भी किस तरीके से यूनिफॉर्मली हो जाए। तो ये बात यहाँ पे भी की, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री होना चाहिए, और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री करते हो तीन प्रकार की चीज़ें आती है, लैम्डा सिग्मा और रो। क्या क्या आता है, एक तो आता है लैम्डा, दूसरा आता है सिग्मा, और तीसरा आता है रो। ये कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी आपका जो चार्ज है वो लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट है। ये आता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी आपका जो चार्ज है वो एरिया के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है। और ये आता है आपका रो, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका जो चार्ज है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट है। आई बात समझ में बच्चों, यहाँ तक कोई तकलीफ दुख समस्या वाली बात हो तो बता दीजिए। कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया मेरे लाडू। चलो हंस रहा है क्या, हंस रहा है बेटा, काफी दिनों बाद देख रहे हैं ना सर को, सर वही है, चेंज नहीं हुए हैं। आई बात समझ में, चलो आगे देखो बेटा, आगे हमने क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। एक इन्फिनिटी वायर के लिए बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको कहा इसे अनंत रेखीय आवेश भी कह सकते हो आप लोग। इसे आप लोग अनंत रेखीय आवेश भी कह सकते हो, एक समान लंबा तार भी कह सकते हैं, पतला लंबा तार। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं या सिमेट्रिकल एलिमेंट होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने होते हैं तो वहां पे अलग अलग गॉसियन सरफेस बनाई जाती है। आपको बोला था याद हो तो, एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर होगा या एक लॉन्ग इन्फिनिटी वायर होगा, तो उसके लिए जो हमारे पास में गॉसियन सरफेस आती है वो हमारे पास आती है एक सिलेंडर आता है, वो भी कैसा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल सिलेंडर जो है गॉसियन सरफेस बनती है लॉन्ग इन्फिनिटी वायर के लिए। दूसरी चीज अगर हम सीट की बात करेंगे तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बनेगा, यानी कि बेलनाकार होगी, उसमें भी बेलनाकार होगी, वो आपके ऊर्ध्वाधर बेलन होगा और ये क्षैतिज बेलन होगा। और जब हम लोग आ जाएंगे गोले के अंदर तो गोले के अंदर भी सरफेस गोलीय ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वायर के लिए। इस वायर के केस में क्या होगा, सबसे पहली चीज मैंने भी बोला आपको और अभी यहां पर लिखवा हुआ भी आ गया कि सबसे पहले आपको एक अनंत लंबा तार चाहिए, सीधा तार चाहिए, जिसका हमारे पास में रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो लैम्डा होगा। यानी कि हम लोगों को यहां पे जो तार चाहिए, सबसे पहली चीज एक लंबा वायर, सीधा वायर चाहिए, ये पतला तार भी है और एक सीधा है। और इसके लिए हमारे पास में जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो लैम्डा होगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। और ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर क्या बताया था, क्यू बाई एल, यानी पर लेंथ में जो चार्ज आएगा वायर के, क्या कहा, वायर के पर लेंथ में जो चार्ज आएगा वही यहां पे चार्ज की लीनियर डेंसिटी कहलाएगी। अब एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में एक लॉन्ग इन्फिनिटी वायर दे रहेगा इस तरीके से, और हम लोगों ने इसके दो छोटे छोटे से एलिमेंट्स ले लिए, एक एलिमेंट पी वन और दूसरा एलिमेंट पी टू, छोटे छोटे एलिमेंट्स। इसके लेंथ मानेंगे तो डी एल लेंथ भी आप लोग मान सकते हैं। तो हमने बिल्कुल छोटे छोटे से एलिमेंट लिए जिनके लेंथ डी एल भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, समस्या या दुख वाली बात नहीं होगी आपको। अब प्यारे बच्चों देखिए, हमने एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर पॉइंट लेके हम लोगों ने यहाँ से इस पॉइंट पर इस छोटे से एलिमेंट के इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला, तो ये पॉजिटिव था, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर आई, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर आई। इसके नेट दो कंपोनेंट बने, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया और एक वापस इधर आया। ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गए, तो अपने को इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो नेट डायरेक्शन मिली वो इस डायरेक्शन में मिली। सेम काम यहाँ पर भी करोगे, सेम काम यहाँ पर भी करोगे तो भी सेम चीज़ आएगी। अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ लिए, अगर अपन यहाँ पर करते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस साइड आती है, यानी हम लोग जिस चार्ज के अलॉन्ग लेंगे, जैसा अपन चार्ज देंगे उसके अकॉर्डिंग वो जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अपने को मिलती रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ समझ में आई कि लॉन्ग इन्फिनिटी वायर के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। तो हम लोग इस डायरेक्शन में पॉइंट को कंसिडर किया, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग हमारे पास आएगी। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई और ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा बच्चों, है ना। अब देखिए आगे की कहानी में क्या करते हैं, आगे की कहानी को बात करें तो आगे की कहानी में क्या करना है ध्यान से देखिएगा। मैंने यह भी बोला था कि वायर जो है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक, तो वायर जो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, द वायर इज ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वायर जो है कि एक अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये बात मैंने आपको बार भी बोली और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, अब ध्यान से सुनना और समझना। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोगों ने पॉइंट लिए, एक पॉइंट था हमारा P, ये रहा आपका P पॉइंट, एक पॉइंट लिया हमने P डैश, ये रहा, और एक पॉइंट लिया P डबल डैश। ये सारे के सारे एक ही जगह पर है, इक्विवेलेंट है, किसके रेस्पेक्ट में, वायर के रेस्पेक्ट, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने यहां पे देखी। आगे की कहानी की बात करते हैं, आगे This implies that the electrical field must have the same magnitude at this point. जिसके कारण हमारे पास में electrical field का जो magnitude मिलेगा इन सारे points से, वो सारा का सारा कैसा मिलेगा, same magnitude का मिलेगा। यानी कि सारे की value कैसी आने वाली है, same आने वाली है। कैसी आने वाली है, same आने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुरु जी, आगे बताइए, आगे बात करते हैं। उसके बाद में देखिए, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी इसका पूरा का पूरा जो मैं आपको अच्छे से भी समझाऊंगा, ध्यान से देखना। क्या हो गया भाई तेरे को, ले भाई साहब, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखना बेटा अच्छी चीज है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एवरी पॉइंट मस्ट बी रेडियल, ये हमेशा रेडियल होगी। रेडियल का मतलब होता है सारे पॉइंटों से वो जो है वो परपेंडिकुलर निकलती रहती है, चीज का ध्यान रखना। चाहे वो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो हो, चाहे वो लैम्डा लेस देन जीरो हो, ये भी चीज का ध्यान रखना। ये वाला ये पड़ा, ये पड़ा यहां पे इस तरीके से, आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, ठीक है। चलो कंसीडर ए पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट्स पी वन एंड पी टू ऑफ द वायर एस, यहाँ पे इन्होंने P1 और P2 जो है हमारे पास में एलिमेंट्स लिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारा काम मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर आपको एक थ्योरी के थ्रू भी बताता रहता हूँ। अब हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए एक अपूर्ण सिलेंड्रिकल यानी कि एक बेलनाकार गाउसियन सरफेस बनाएंगे। अगर हम लोगों को वायर के कारण क्या कहा, अगर हम लोगों को वायर के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है तो हमें गाउसियन सरफेस चाहिए, और वो गाउसियन सरफेस जो होगी हमारे पास में एक बेलनाकार होगी, अर्थात सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस होगी। अरे वो वाला सिलेंडर नहीं, बेलन नहीं जो मम्मी मारती है, देखो तो बड़ा खुश हो गया है गुड्डे। अरे गुड़िया क्या बात है, बहुत अच्छे राजी हो रहे हो कमलावेर, क्या बात है, आज तो बड़े खुश दिख रहे हो, काफ़ी दिनों बाद सर की क्लास है। ओ माय गॉड, ओहो अच्छा आप
भी आए हो? ओए तेरी तो, और कौन है? मैंने तो देखना ही भूल गया। चलो चलो आ जाओ, बड़ा बेलन लेके आऊंगा, बेलन पड़ेगा बेटा, मारूंगा ऐसा ना बेलन से, याद रखना। अब देखो बेटा, हम लोगों को इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए एक गाउसियन सरफेस चाहिए। जिस पॉइंट पे गाउसियन सरफेस चाहिए उसके अलोंग हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक लॉन्ग इन्फिनिटी वायर बनाया, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनाई जिसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मानी, और ये हमारा पी पॉइंट है। इस तरीके से कहानी को स्टार्ट किया। उसके बाद की कहानी देखेंगे। सिंस द फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल, यानी कि फील्ड जो है वो सारी जगह रेडियल है, यानी कि उसके परपेंडिकुलर जा रही है। थ्रू द टू फ्लैट सर्फेस ऑफ द सिलेंड्रिकल गाउसियन सर्फेस इज जीरो, तो यहाँ पर गाउसियन सर्फेस क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। उसके बाद की कहानी देखना। सरफेस सिंस द फील्ड इज, ये तो हो गया था ना, चलो चलो, एट द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड इट इज पैरेलल टू एनी एरिया वेक्टर ऑन द कर्व्ड सरफेस, सो फ्लक्स इज नॉट जीरो। क्या होता है कि ये रेडियल होने के कारण जब आप लोग एरिया वेक्टर लोगे तो एरिया वेक्टर के जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल आ जाएगा, और जब एरिया वेक्टर के इलेक्ट्रिकल फील्ड पैरेलल आ जाएगा तब वहां पे एंगल जीरो होगा, और एंगल जीरो होने पे उस केस में आपके पास में फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। ये इस चीज इसने बोली है। सारी चीजें थ्योरी से समझाई, बोर्ड वालों के लिए बहुत अच्छे से। दस, अब इसका सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया जो इसके कर्व पार्ट का होता है, कर्व पार्ट में समझते हो, इसके आगे वाला भाग, जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये बॉटल है, अरे ये सिलेंडर नहीं है, देखो सिलेंडर की तरह दिख रहा, मानूंगा ऐसा ना, याद करेगा बेटा। तो ये हमारे पास में एक बेलनाकार सरफेस है, तो इसका ये वाला जो आपको सरफेस दिख रही है ना, ये कर्व सरफेस दिख रहा है पूरा का पूरा, यस। और ये आपका सर्कुलर सरफेस होता है यहाँ पे। तो ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है इसका एरिया क्या फाइंड करोगे? तो सबसे पहले कर्व सरफेस पार्ट की लंबाई होती है 2 पाई आर, इसकी लेंथ कितनी है? एल। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा 2 पाई आर एल, यही मैंने लिखवाया, जहाँ एल जो है वो सिलेंडर की लेंथ होगी, इस तरीके से। अब हम लोग इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाले, ठीक है? जो लास्ट में बताया उसमें आपको कुछ देखना हो लिखना हो तो जल्दी से करो, देख लो एक बार अच्छे से, सारे पॉइंट एक साथ तो नहीं आएंगे, ध्यान रखना। चलो पहला वाला लिखो, ये पॉइंट सारे एक एक करके पॉइंट बता देता हूँ मैं, जिससे आप लोग लिखते रहोगे। लिख दिया, इसके बाद का देखो, ये वाला पॉइंट एक बार देखो, जल्दी देखो ना यार। चलो आ जाओ, इसको हम थोड़ा सा नॉट में जाके पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग जो है यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये देखना बेटा थोड़ा सा देखना। चलो ठीक है, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम गाउसियन सरफेस बनाओ। और अभी हम लोग पढ़ के आए कि इसके लिए जो गाउसियन सरफेस आती है वो हमारे पास में सिलैंडरिकल आती है, यानी कि हमको एक सिलेंडर चाहिए, यहाँ एक बेलन बनाना है और कुछ भी काम नहीं करना है। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो बेलन बनाना स्टार्ट करते हैं। सर बेलन कैसे बनाया जाए? तो बेलन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि बेलन की दो सर्फेसेस कैसी होती है हमारे पास में, ऊपर इस तरीके से सर्कुलर्स होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बनाना चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसी एक और सर्फेस हम लोग नीचे भी बना लेते हैं इस तरीके से, ये लो यहाँ पे भी बना दिया हमने सरफेसेस, ठीक है, ओके गॉट इट नाउ। तो बेलन तो बन गया होगा, आपको दिख भी रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। सर ये कैसी सरफेस है आपने बनाई?
अच्छा बेटा, मैंने कैसी सरफेस बनाई? तेरे से तो सही बनाई थी मैं। मेरे से तो कोई आज बने न कोई कल बने। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा दिख रहा है। ये हमारे पास में बन गई एक सिलैंडरिकल सरफेस। सिलैंडरिकल सरफेस तो बन गई, बस यानी कि बेलनाकार सरफेस हमने बनाई जो गाउसियन सरफेस है। अब इस गाउसियन सरफेस के कारण हम लोग पॉइंट यहां पे ले या चाहे यहां पे ले, एक ही चीज है। यहां पे लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन उधर चली जाएगी, यहां लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर चली जाएगी। सर आपके पास में तो जगह ही नहीं, वहां कहां लोगे? इज वेरी गुड क्वेश्चन कि हमारे पास में जगह नहीं है। कोई बात नहीं, जगह नहीं, हम जगह अभी लेके आ जाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? चलो ध्यान से देखना। अगर हम लोग, चलो मैं आपको उसी पे बता दें, फिर आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैक्सिमम टीचर ऐसे ही बताते हैं, है ना? फिर तुम लोग आ जाओगे गुरु जी, फिर मेरे को डर भी लगता है आप लोगों से। इस तरीके से मान लो आपका, हमारे पास में सिलेंडर था, इस सिलेंडर सॉरी लॉन्ग इन्फिनिटी वायर था, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज दिया। अब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहाँ पे हम लोग को कोई एक सिलेंडर बनाना था इस तरीके से। ये हमारा सिलेंडर। इसके बाद में हमारे पास में एक पॉइंट है पी, यहां पे से कुछ डिस्टेंस में। वो पॉइंट है हमारा पी। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि पी पॉइंट जो है वो बेसिकली यही पर है जहां हमने सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके, ये हमारा पॉइंट पी। और इसकी लेंथ जो है बेटा वो प्यारे बच्चे हो जाएगी एल लेंथ, और ये आर रेडियस का हमने सिलेंडर बनाया। इस तरीके से हमने ये फाइंड किया। हम लोगों को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमारे इस साइड में है, जो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। अब गाउसियन सरफेस के अंदर देखें तो तीन सरफेस बन रही है, ये वाली सर्कुलर, ये वाली भी सर्कुलर, और ये वाली कर्व्ड सरफेस। तो इसे हम बोले टॉप सरफेस, इसे कहा जाए बॉटम सरफेस, और इसे कहा जाए कर्व्ड सरफेस। हमारे पास में कितनी सरफेसेस है? तीन, एक टॉप वाली, एक बॉटम वाली, और एक कर्व वाली सरफेस। यानी कि एक ऊपर वाली सरफेस है, एक नीचे वाली, और एक आपको वक्राकार सरफेस जो दिख रही है वो। अगर हम लोग यहां पे फ्लक्स निकालना चाहे तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि फ्लक्स थ्रू द टॉप पार्ट, फ्लक्स थ्रू द बॉटम पार्ट, एंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट। इन तीन पार्ट से हमें फ्लक्स मिलेगा, और गाउसियस के हिसाब से ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था जो लीनियरली लेंथ के अलावा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले छोटे छोटे से पार्ट ले लो, यहाँ पे एक पार्ट यहाँ ले लीजिए आप लोग, दूसरा पार्ट यहाँ ले लीजिए, और तीसरा पार्ट यहाँ ले लीजिए। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन तो इधर मिल रही है आपको, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरफ मिल रही है तो एरिया वेक्टर इस तरफ मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इधर मिल रही है तो एरिया वेक्टर यहाँ मिल जाएगा डीएस। तो ध्यान से देखोगे टॉप और बॉटम वाले है, इन पे एंगल अपने को कितना मिल रहा है? 90 मिल रहा है। और जब 90 एंगल मिलता है तो वहाँ फ्लक्स क्या हो जाती है? जीरो। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा हमारे यहाँ पे। ये बन जाएगा ई डी एस
कोस कितना है 90 प्लस ईडीएस कॉस 90 प्लस ईडीएस कॉस 90 नहीं आएगा ना, 90 जीरो आएगा करोड़ वाले में, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि इन दोनों ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, आपके एरिया वेक्टर और आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसके कारण फ्लक्स का मान आया जीरो, इसके कारण भी आया जीरो। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास में बच गया, यहाँ पे ध्यान से लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 1 हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे तो ए इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अभी हमने पढ़ा कर्व्ड सरफेस का कितना होगा 2πr, तो ए इंटू 2πr बराबर क्यू। आपको पता है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल, अगर क्यू बाई एल है तो यहाँ पे क्यू बराबर लैम्डा एल मिल जाएगा हम लोगों को, क्यू बराबर क्या मिलेगा बेटा लैम्डा एल, तो यहाँ पे वैल्यू रखो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको सॉल्व करोगे अच्छे से तो ई बराबर अपने को मिल जाएगा एल से एल कट जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε नॉट लैम्डा अपॉन 2πε। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो इक्वेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो मिलेगा ई बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/r। जब हम लोग इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, तो ध्यान रखना तो ग्राफ किस तरीके से मिलेगा, कुछ नई आत्माएं जनरेट हो गई आज, सर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चलो ये तो कुछ और ही आ गया, अपने तो अपना अंदाज ही रखते हैं, वो सबसे बेस्ट है। तेरे क्या दिक्कत है भाई, भाग यहाँ से, चल साइड में चला जा, ये क्या चीज, लो भाई सॉरी, बहुत बढ़िया बेटा सॉरी बोल रहा है, सर को सॉरी बोल रहा है। तो इस तरीके से ही आपका यहाँ पे कर्व मिल जाएगा ई और आर के बीच, ध्यान से देखना वापस बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इस सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस के ऊपर तीन सरफेस मानी, एक कर्व्ड सरफेस, एक टॉप सरफेस और एक बॉटम सरफेस। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और हम लोगों को एरिया वेक्टर चाहिए, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर नीचे और इसका एरिया वेक्टर इसके डायरेक्शन में आएगा। तो तीनों के कारण जो फ्लक्स होगा वो क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, दैट इज गाउसियन लॉ। तो यहाँ से ईडीएस 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 बराबर क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला एंगल 90 बना रहा है, टॉप वाला जो एरिया वेक्टर से 90 बना रहा है, बॉटम वाला भी कितना बना रहा है 90, ये एंगल हो जाएगी 0। तो ईडीएस बराबर क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों के कारण फ्लक्स हो गया 0 और इसका जो एरिया आता है वो 2πr, और लास्ट में जाके ये जो बन जाता है ई बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर, ई जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है 1/r के। चलो जल्दी करें बेटा, अगर मान लो ऐसा हो जाता ये चार्ज पॉजिटिव रखा हमने, अगर यहीं पे चार्ज हमारा इस तरीके से नेगेटिव हो जाता तो क्या होता, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे किस तरह आती, तब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरह आती जो मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, देखना ध्यान से आपको दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है जो मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर ये बाहर हो और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और सेम चीज़ अगर पॉजिटिव है तो ये चीज़ अभी हमने पढ़ी है कि यहाँ के कारण जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये मैंने चीज़ बताई, एक बार अच्छे से देख लो, चलो बच्चों
तो आज की क्लास में इतना ही बताएंगे, क्योंकि मेरे को खुद को स्कूल जाना है अभी। बड़ी मुश्किल से आज 5 बजे उठ के जो है मैंने आज ये लेक्चर बनाए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है मेरी लाइफ में, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों से, स्ट्रगल से दूर होके इस काम पे वापस फोकस कर पाऊँ। नहीं कर पा रहा, बहुत सारी चीज़ें होती लाइफ में। चलो, ध्यान रखिएगा अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए। राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग जो है वो सीट और सिलेंडर को, स्पेयर को कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन लगाएंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए। राधे राधे, पीजिएगा, नमस्कार।